इधर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर का कंप्लीट इस सब्जेक्ट का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके, वेलकम टू वीडियो नंबर 2.2 जहां पे हम देखेंगे लोकेशन ऑफ आईसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनने वाला है ना, ये वीडियो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज में से एक है, क्योंकि यहाँ पे जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको आईसी को दिखाना पड़ेगा। तो आईसी कौन से केसेस में कैसे अपन देखेंगे वो अपन यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला अपना क्या है, यस व्हेन टू लिंक्स आर कनेक्टेड बाय अ पिन जॉइंट। ओके, यस व्हेन टू लिंक्स आर कनेक्टेड बाय अ पिन जॉइंट द आईसी लाइज ऑन द सेंटर ऑफ पिन। ओके, देख जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपना क्या है, ये अपना लेट्स सपोज अपना क्या, ये लिंक नंबर 1 है और ये अपना क्या है, लिंक नंबर 2 है। ओके, ये दो लिंक अपने हो गए। यहाँ पे ये क्या है, यस व्हेन टू लिंक्स आर जॉइंट आर कनेक्टेड बाय अ पिन जॉइंट। ओके, यहाँ पे अपना क्या पिन जॉइंट है, द आईसी लाइज ऑन द सेंटर ऑफ पिन। ये सेंटर, ये पिन का जो सेंटर होगा यहाँ पे अपना क्या करेगा, ये आईसी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे लिंक नंबर 1 है, अपना लिंक नंबर 2 है, तो ये अपना क्या होगा, आई यस 1 2 हो जाएगा। ओके, यस अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो सीक्वेंस है दैट इज 1 2 लिखो या फिर 2 1 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ठीक है, तो वेन टू लिंक्स आर कनेक्टेड बाई अ पिन ज्वाइंट द आईसी लाइज ऑन द सेंटर ऑफ पिन। ठीक है, ये आपको मालूम पड़ गया है। अब आते हैं अपन केस नंबर 2 पे। ओके, यस सेकेंड पॉइंट दैट इज वेन टू लिंक्स हैव अ प्योर रोलिंग। ओके, प्योर रोलिंग की ये सबको बता रहा है। वेन टू लिंक्स हैव अ प्योर रोलिंग कॉन्टैक्ट लिंक नंबर 2 रोल्स विदाउट स्लिपिंग अपॉन द फिक्स्ड लिंक 1। फिक्स्ड लिंक अपना क्या होगा, लिंक नंबर 1 हो जाएगा, और लिंक नंबर 2 जो है क्या करेगा, उस फिक्स्ड लिंक पे क्या करेगा, रोल करेगा विदाउट स्लिपिंग। ध्यान रखिएगा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाला केस बता रहे हैं, है ना। विच मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड, जो लिंक नंबर 1 है जिसको अपन फिक्स किए हैं यहाँ पे, यस जो फिक्स्ड लिंक अपना है वो स्ट्रेट हो सकता है, कर्व हो सकता है, वो फर्क नहीं पड़ता है, जो लॉजिक बताऊंगा वो वहां पे आएगा। ठीक है, द आईसी लाइज ऑन देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, द आईसी लाइज ऑन देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैं फिर से इसको स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, वेन टू लिंक्स हैव अ प्योर रोलिंग कॉन्टैक्ट लिंक नंबर 2 रोल्स विदाउट स्लिपिंग अपॉन द फिक्स्ड लिंक 1, द आईसी लाइज ऑन देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा क्या, एक सर्कुलर डिस्क हो गया है और ये अपना क्या है, एक फिक्स्ड सर्फेस है। ओके, तो ये जो फिक्स्ड सर्फेस आपको दिख रहा है दैट इज लिंक नंबर 1। ओके, जो कि कैसा अपना है, यहाँ पे फिक्स है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर दिखा देता हूँ, यस ये अपना क्या है, यहाँ पे फिक्स है। ओके, फिक्स्ड सर्फेस है आपको ये मान लो, और ये जो है, ओके, जो आपको सर्कुलर डिस्क दिख रहा है उसको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये अपना क्या है, लिंक नंबर 2 है, जो कि अपना क्या है, यहाँ पे ये डिस्क है। ओके, यस सर्कुलर डिस्क, फाइन। ओके, अब यहाँ पे लेट्स सपोज ये जो है ये ऐसा रोटेट कर रहा है ना, सर्कुलर है, तो क्या करेगा, रोल करेगा। तो इसको रोल कैसे कर रहा है, ये क्लॉकवाइज ये रोल कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो आईसी होगा दैट लाइज ऑन देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, आईसी क्या होगा, लाइज ऑन देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो है ये सरफेस पे कहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसका है, यहाँ पर है, तो ये अपना क्या बन जाएगा, दैट इज दिस विल बिकम I 1 2। ओके, ये अपना क्या होगा, I 1 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब इतना ही नहीं जानना है हमको, और भी कुछ जानना है। यहाँ पे लेट सपोज, यस दैट इज, यहाँ पे मैं रैंडमली 2 पॉइंट चूज कर रहा हूँ, लेट सपोज दिस इज माई पॉइंट ए। ओके, और यहाँ पे अपना मान लो क्या है, अपना ये पॉइंट बी है। ओके, मैं अपने हिसाब से एक रैंडमली चूज कर ले रहा हूँ, ये अपना क्या है पॉइंट ए, अपना ये क्या है पॉइंट बी है। ओके, तो अगर आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी पर का वेलोसिटी चाहिए तो उस केस में क्या करेंगे हम, यस देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को अपन इस आईसी से पहले ज्वाइन कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो इसके ऊपर अपन ज्वाइन कर लिए। ठीक है, अब करना क्या है, इस लाइन के अबाउट मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ये क्या है, ये अपना क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये जो है इसके वेलोसिटी कितना इधर आएगा। ओके, ये आगे मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। ठीक है, ये अपना क्या है क्लॉकवाइज है, तो ये क्या कर, इधर मूव करेगा, तो इसका वेलोसिटी किधर होगा, इस लाइन के 90 डिग्री, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट करा तो ये इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लाइन के 90 डिग्री में दिखाएंगे, दिस इज माई वेलोसिटी दैट इज वी ए, फाइन। ठीक है, अब अगर मुझे बी के अबाउट दिखाना है वेलोसिटी, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम अगेन आईसी से इसको अपन पहले जोड़ देंगे। यस हो गया, जुड़ गया। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन के अबाउट 90 डिग्री ड्रॉ करना है, तो ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बट चूंकि अपना ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हम इसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा ये, यस इस टाइप का, तो अपना क्या होगा, ये वेलोसिटी
बी हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करेंगे, इसको अपन दिखाएंगे। फाइन, अपन अब आएंगे थर्ड वाले केस में। आई होप आपको दोनों केस जो है क्लियर हो चुका होगा। थर्ड केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो थर्ड वाला केस के बारे में स्टेटमेंट यहां पढ़ लेता हूँ। यस, व्हेन टू लिंक्स हैव अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, व्हेन टू लिंक्स हैव अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, द आईसी लाइज ऑन द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, मैं फिर से रीड कर रहा हूँ। व्हेन टू लिंक्स हैव अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, द आईसी या इंस्टेंट इन सेंटर लाइज ऑन द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे अपन तीन सब केसेस पढ़ेंगे, जिसमें पहला केस अपन देखो क्या लिखा है यहाँ पे। यस, व्हेन द स्लाइडर, ओके, यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं, स्लाइडर ले रहे हैं, ओके, जो कि अपना क्या होगा, लिंक नंबर टू हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको फिगर को अच्छे से दिखा दूँ ताकि एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, ठीक है। यस, तो यहाँ पे व्हेन द स्लाइडर दैट इज लिंक नंबर टू मूव्स ऑन स्ट्रेट सरफेस, ओके, व्हेन द स्लाइडर दैट इज लिंक नंबर टू मूव्स ऑन अ स्ट्रेट सरफेस, जिसको हम फिक्स्ड लिंक वन बोलेंगे। फिक्स्ड लिंक अपना क्या होता है, लिंक नंबर वन होता है। यस, और वो अपना कैसा सरफेस है, स्ट्रेट सरफेस है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलो, वर्टिकल बोलो, जो भी हो, लेकिन वो स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। द आईसी लाइज एट इंफिनिटी, द आईसी लाइज एट इंफिनिटी एंड ईच पॉइंट ऑन स्लाइडर हैव सेम वेलोसिटी, ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दैट इज ईच पॉइंट ऑन द स्लाइडर विल हैव सेम वेलोसिटी। अब यहाँ पे आपको मैं जो डायग्राम बनाया है उससे आपको क्लियर करता हूँ। ये अपना क्या, एक हॉरिजॉन्टल सर्फेस हो गया, ठीक है, जो कि अपना क्या है, स्ट्रेट है और ये फिक्स्ड है, ओके, फिक्स्ड सर्फेस हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, लिंक नंबर वन बोलेंगे। अब यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये अपना क्या है, स्लाइडर है, ओके, ये अपना क्या है, स्लाइडर है, जिसको हम क्या बोले, लिंक नंबर टू बोले, है ना, ये अपना क्या है, लिंक नंबर टू, विच इज स्लाइडर। फाइन, ओके। अब इस स्लाइडर को मान लो इधर अपन मूव करवा रहे हैं, ठीक है, ये इधर अपना क्या कर रहा है, ये यस, इधर ये स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम रैंडमली दो पॉइंट को अपन चूज कर ले, दैट इज पॉइंट ए और ये अपना क्या है, पॉइंट बी है, ओके। यहाँ पे अपना पॉइंट ए, पॉइंट बी हो गया। अब पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी होगा दैट इज वी ए, ओके, इस डायरेक्शन में होगा। अगेन पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी होगा दैट इज अगेन ऑन दिस डिरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वी बी हो जाएगा, ओके। बट ओके, अब मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ, दैट इज ईच पॉइंट ऑन द स्लाइडर विल हैव, यस, दैट इज सेम वेलोसिटी। यहाँ पे वी और वी वी अपना क्या होगा, सेम होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। स्लाइडर जब अपना यस फिक्स सरफेस में अपना ये जब स्लाइड करेगा, तो उस केस में जब अपना दोनों वेलोसिटी होगा दैट विल बी सेम, ओके, यस। बट यहाँ पे जो आईसी होगा, ओके, दोनों पॉइंट का जो आईसी होगा दैट विल बी एट इन्फिनिटी। यहाँ पे लिखा द आईसी लाइज एट इन्फिनिटी, द आईसी लाइज एट इन्फिनिटी, व्हेन द स्लाइडर मूव्स ऑन अ स्ट्रेट सरफेस द आईसी लाइज एट द इन्फिनिटी। मतलब अगर इस पॉइंट ए का अगर आईसी बोलोगे तो ये कहाँ पे होगा, ये इन्फिनिटी पे होगा, ओके, यस। अब यहाँ पे हम ऊपर में दिखाए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये ऊपर में होगा, ये नीचे भी हो सकता है, बट कहाँ पे होगा, ये इन्फिनिटी पे होगा। वैसे पॉइंट बी का जो होगा वो कहाँ पे होगा, ये इन्फिनिटी पे होगा, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। मैं इसको ऐसा बता रहा हूँ, समझो इसको अच्छे से। अगर आपका कर्वेचर ऐसा बना हुआ है तो उसको, अगर मान लो यहाँ पे दो पॉइंट ले रहा हूँ मैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ओके, अगर इन दोनों पॉइंट का अगर मैं रेडियस बोलूंगा, ठीक है, रेडियस कुछ भी हो, लेकिन ये अगर कर्वेचर ड्रॉ किया हो तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा, ओके। तो यहाँ से, ओके, यहाँ से अपन एक लाइन लेंगे और यहाँ से अपन एक लाइन लेंगे, है ना, तो ये अपना सेंटर हो गया। यहाँ से ये और ये अपना क्या कॉमन, मतलब सेम रेडियस हो जाएगा, ओके। और यहाँ से अपन क्या करेंगे, यस, ये अपना क्या टेंजेंट अपन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ये अपना जब कर्वेचर कुछ दिया रहेगा तो उस केस में मुझे यहाँ पे रेडियस जल्दी से मिल जाता है। बट जब सरफेस अपना हॉरिजॉन्टल होता है, अगर मान लो यही सरफेस अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर लूँ, तो उसका जो रेडियस है, उसका सेंटर है, वो कहीं ना कहीं लाई करेगा, बट वो कहाँ पे लाई करेगा, एट सम इन्फिनिटी लाई करेगा। तो वही लॉजिक यहाँ पर है। पॉइंट वन, पॉइंट टू जो है, ये क्या है, दो पॉइंट्स हो गए यहाँ पे अपने, ठीक है। अब दोनों जो है कहीं ना कहीं मीट करेगा आपस में, कहाँ मीट करेगा ये आपस में, यस, दैट इज एट इन्फिनिटी, ओके, क्योंकि अपना क्या, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट था वो आई होप क्लियर हो चुका है, दैट इज व्हेन द स्लाइडर मूव्स ऑन अ स्ट्रेट सरफेस दैट इज फिक्स्ड लिंक द आईसी लाइज एट इन्फिनिटी एंड ईच पॉइंट ऑन द स्लाइडर विल हैव सेम वेलोसिटी। यहाँ पे और भी कुछ अगर पॉइंट्स मार्क कर लोगे तो उनकी वेलोसिटी भी क्या होंगी, ए या बी के इक्वली होंगे, क्योंकि वो दोनों भी क्या है, आपस में सेम है, ओके। और ये दोनों इन्फिनिटी पे क्यों आता है, ये भी आपको मालूम पड़ चुका है। ये दो पॉइंट आपस में मीट करेंगे बट एट इन्फिनिटी, ओके। यस, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाले पॉइंट का बी वाला केस देखते हैं, दैट इज व्हेन द स्लाइडर, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, लिंक नंबर टू बोलते हैं, मूव्स ऑन फिक्स्ड लिंक, ओके, फिक्स्ड लिंक वन हैविंग कर्व सरफेस। पिछले वाले ए वाले केस में क्या था अपना,
वहां पे जो सरफेस दैट वॉज स्ट्रेट, ओके, यहाँ पे अपना सरफेस कैसा है, कर्व सरफेस, और कर्व सरफेस कैसा है, कॉनकेव, ओके, कॉनकेव टाइप का एक कर्व सरफेस है. द आईसी लाइज ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट दैट इंस्टेंट. मैं फिर से इसको रीड कर रहा हूँ. व्हेन द स्लाइडर मूव्स ऑन अ फिक्स्ड लिंक हैविंग कर्व सरफेस दैट इज कॉनकेव, ओके, कॉनकेव सरफेस होगा, तो उस केस में जो आईसी है दैट विल लाई ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट दैट इंस्टेंट. ओके, अब इसको जो है अपन थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये अपना क्या कॉनकेव सर्फेस है, ठीक है, और ये स्लाइडर क्या करेगा, यहाँ पे अपने ये स्लाइड करेगा, फाइन, ठीक है. ये अपना क्या लिंक नंबर टू, दैट इज स्लाइडर. ये अपना क्या लिंक नंबर वन, दैट इज फिक्स्ड सर्फेस, जो कि कैसा है अपना ये कॉनकेव सर्फेस है, फाइन. अपने क्या है, कॉनकेव सर्फेस है. अब हम थोड़ा सा अच्छे समझते हैं. यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैंडमली दो पॉइंट को चूज करेंगे, दैट इज लेट्स सपोज ये अपना पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया, ओके, और यहाँ पे अपना एक और पॉइंट है, दैट इज बी, ठीक है. अगर मैं ए पॉइंट पे देखूँ, ठीक है, मुझे करना क्या है, इसको इसी के अलावा क्या करना है, इसको स्लाइड करवाना है. अगर ये हॉरिजॉन्टल स्लाइड करता, ठीक है, लेट्स सपोज ये कैसे मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है ना, ये इधर मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, ये इधर मूव कर रहा है, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्फेस से मूव करता तो क्या होता, हॉरिजॉन्टल सर्फेस के पैरेलल इसका वेलोसिटी होता, इसका वेलोसिटी होता, बट यहाँ पे क्या, ये अपना एक कर्वेचर है, ओके, ये कर्वेचर है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो इधर कहीं होगा, ओके, ये इधर कहीं होगा, दैट इज वी ए, ओके. वैसे ये आपको जो पॉइंट है इसका वेलोसिटी कैसा होगा, कुछ इस तरफ होगा, ओके, ये भी क्या होगा, कुछ इस तरफ होगा, दैट इज बी बी, फाइन. वी ए इधर, बी बी इधर, फाइन. तो अब करना क्या मुझे, कॉमन सेंटर देखना है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखना. सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे मिलेगा मुझे, इस लाइन के 90 डिग्री मुझे यहाँ पे जाना है. इस लाइन के 90 डिग्री मैं यहाँ पे आऊंगा. इधर ड्रॉ कर दिया. अब इस वेलोसिटी के भी 90 डिग्री मुझे एक लाइन लेना है, ओके, तो यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ. तो ये 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ हो गया, इसका 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ हो गया, जहाँ पर ये कॉमन सेंटर मिलेगा. ये जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा ये अपना क्या होगा, सेंटर हो जाएगा, जिसके अबाउट क्या होगा, ये जो है अपना स्लाइड करेगा. और ये कॉमन सेंटर जो है इसी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस सेंटर, ओके. ये अपना क्या होगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा ऑफ दिस फिक्स्ड सरफेस एंड दिस स्लाइडर, दैट इज I1 2. आई बात समझ में, तो इस टाइप से जो है आप समझ सकते हो कि जब मेरे पास कॉनकेव सरफेस दिया होगा तो उस केस में मैं आईसी कैसे निकालूंगा. आई बात समझ में. अपन अब आते हैं थर्ड वाले केस के, थर्ड वाले में, दैट इज सी. थर्ड वाला का सी वाला पार्ट देखते हैं. दैट इज व्हेन द स्लाइडर दैट इज लिंक नंबर टू मूव्स ऑन अ फिक्स्ड लिंक हैविंग कर्व सरफेस, बट यहाँ पे अपना कैसा सरफेस, अपने ये कॉन्वेक्स सरफेस है. पहले वाला दैट इज थ्री का ए वाला पार्ट क्या था, हॉरिजॉन्टल सरफेस था, स्ट्रेट सरफेस था. बी वाला सरफेस कैसा था, कर्व सरफेस था, बट वो कॉन्केव था. ये जो सी वाला पार्ट दैट इज अगेन कर्व सरफेस, बट यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस दिया हुआ है. द आईसी लाइज ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके. तो इसको भी अच्छे से अपन समझ लेते हैं. ये अपना क्या है, एक कर्व सरफेस है, दैट इज लिंक नंबर वन, और सरफेस कैसा अपना ये कॉन्वेक्स सरफेस दिया हुआ है. इसके ऊपर क्या है, एक स्लाइडर रखा हुआ है जिसको हम क्या बोलेंगे, लिंक नंबर टू बोलेंगे. आई बात समझ में. अब यहाँ पे लेट्स सपोज ये क्या कर रहा है, या अगेन ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना, क्लॉकवाइज मतलब ये क्या कर रहा है, करेगा ये स्लाइड करेगा, है ना, तो इसका मूवमेंट कैसा होगा, इधर तरफ होगा. अब यहाँ पे है रैंडमली, मैं यहाँ पे दो पॉइंट चूज कर लेता हूँ, दैट इज पॉइंट ए और पॉइंट बी. ये तो पॉइंट ए है और अपना क्या है, पॉइंट बी है, ओके. तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट अगर देखूंगा वेलोसिटी किधर होगा, ये कहीं इधर तरफ होगा, दैट इज वी ए. और वैसे अगर मैं बी की तरफ देखूंगा तो बी की वेलोसिटी किधर होगा, समवेयर हियर. ये अपना क्या होगा, वेलोसिटी बी हो जाएगा, फाइन. अब मुझे करना क्या है, दोनों का कॉमन पॉइंट देखना है, ओके. दोनों से अपन क्या करेंगे, 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे. 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हल्का लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक हल्का लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आकर कहाँ मिला, यहाँ मिला, है ना. तो ये जो मुझे कॉमन पॉइंट मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, दोनों पॉइंट का सेंटर है, लेकिन ये अपना क्या कहलाएगा, ये I1 2 कहलाएगा. मतलब ये जो कर्व सरफेस आपको दिख रहा है और ये आपको जो दिख रहा है दैट इज स्लाइडर, इसका मुझे यहाँ पे कॉमन पॉइंट मिलेगा, दैट इज I1 2, ओके. तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सभी प्रकार के लिंक के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आईसी दिखा सकते हैं, ओके. यहाँ पे हमने जितने भी केसेस को डिस्कस किया हुआ है ये सभी इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स थे. अब हम क्या करेंगे, दैट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके. आगे जो है कुछ वीडियोज में आपको न्यूमेरिकल भी दिखेगा,
फाइन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।